हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आपको चेचन्या के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। सो दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि चेचन्या किसी देश का नाम है, लेकिन यह कोई देश का नाम नहीं है। यह जॉर्जिया के पास में मौजूद रूस का एक हिस्सा है, लेकिन रूस के इस फेडरल स्टेट को बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता दिया गया है। दोस्तों, यहाँ की सरकार एक गणतांत्रिक सरकार है और यहाँ का कानून रूस से काफी अलग है। दोस्तों, चेचन्या बहुत ही खूबसूरत वादियों और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ का सिर्फ प्राकृतिक नजारा ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी दुनिया भर में काफी खूबसूरत माने जाते हैं। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन चेचन्या के लोग रूस प्रजाति और मंगोल प्रजाति के सम्मिश्रण से बने हुए हैं, जो यहाँ के लोगों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, चेचन्या की कुल आबादी लगभग 14 लाख है और इनमें से ज्यादातर लोग चेचन्या प्रजाति के हैं और बाकी बचे लोग रूसी प्रजाति के हैं। दोस्तों, चेचन्या के लोगों को दुनिया के सबसे बहादुर लोगों में से एक माना जाता है। शायद आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज में और यूट्यूब में देखा होगा कि एक हेवीवेट फाइटर खबीब ने एक आयरिश फाइटर की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई की थी। दोस्तों, खबीब भी चेचन्या से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, चेचन्या के लोग सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले भी होते हैं, इसलिए हाल ही में रूस ने यूक्रेन युद्ध में चेचन्या के सैनिकों का सहारा लिया था। दोस्तों, चेचन्यन आर्मी रशियन आर्मी में सबसे पहले नंबर पर आती है और यही वजह है कि सोवियत संघ और रूस चेचन्या को कभी अलग नहीं करना चाहते। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी चेचन्या के ऑफिसर को सोवियत संघ के अधिनायक के तौर पर माना जाता है। दोस्तों, चेचन्या की कुल आबादी का लगभग 95% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और बाकी बची आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। 1917 में चेचन्या रूस से अलग हुआ, लेकिन सोवियत संघ के दौरान फिर से रूस का हिस्सा बना। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो चेचन्या के लोग बड़ी बहादुरी से लड़े और नाजी जर्मनी के सैनिकों को पीछे की ओर धकेल दिया। दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद चेचन्या को स्वतंत्र घोषित किया गया और वहां पर एक गणतांत्रिक सरकार बनाया गया। दोस्तों, 1994 में चेचन्या पर कब्जा करने के लिए रूस ने सेना भेजी, लेकिन इस युद्ध में लगभग 3 महीने के अंदर 2000 टैंक और बहुत ज्यादा सैनिकों की मौत हो जाने की वजह से रूस को पीछे हटना पड़ा और उसे मजबूरन शांति स्थापित करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, 1998 में चेचन्या में कट्टरपंथियों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसलिए पूरे देश में लोगों और आतंकवादियों के बीच काफी ज्यादा संघर्ष चलता रहा। दोस्तों, सन 2000 में रूस ने फिर से चेचन्या पर हमला किया और लगभग पूरे चेचन्या पर कब्जा कर दिया। इसके बाद चुनाव के द्वारा एक सरकार बनाई गई और वहां पर बहुत ही पावरफुल चेचन्या मिलिट्री को इसकी कमान सौंपी गई। दोस्तों, 2007 में यहां के शहरों का बहुत तेजी से पुनर्निर्माण किया गया और पूरे चेचन्या की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से सुधारा गया। दोस्तों, आज चेचन्या रूस का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर हिस्सा है, जिसे रूस अपने से कभी अलग नहीं करना चाहता। सो दोस्तों, ये थी चेचन्या के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। सो गाइस, मेरी आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।